हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो आज की रेसिपी है खमन ढोकला, जो कि एक पॉपुलर गुजराती स्नैक है और इसे और भी जगहों पर काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम घर पर बहुत ही आसानी से घर पर अवेलेबल चीज़ों से हम बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ढोकले के लिए इंपॉर्टेंट होता है सबसे कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो यहाँ पर मैंने लिया 150 ग्राम बेसन और ये कप से 1.5 कप के करीब होगा। और यहाँ पर मैंने लिया है इनो 1 पैकेट, और अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह खाने वाला सोडा यूज़ कर सकते हैं 1/2 चम्मच। और यहाँ पर मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और ये है 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पर मैंने लिया 1.5 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये है 1 छोटी चम्मच चीनी, और 1 चम्मच से भी कम नमक, पानी बैटर बनाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें इनो और रिफाइंड ऑयल छोड़कर इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स कर दूंगी। मार्केट के ढोकले में नींबू का रस नहीं डाला जाता है, वो लोग सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, बट सिट्रिक एसिड हर जगह पर और हमारे घर पर भी हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ जो हमारे घर पर हमेशा अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया है, इनो और रिफाइंड ऑयल छोड़कर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बिल्कुल थिक पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमें एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालना है, अगर आप इसमें एक साथ पानी डाल देंगे तो ये इसमें ढेर सारे लम्स बन जाएंगे, तो इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले इसका एक थिक पेस्ट बना लीजिए। और आप ढोकले में ज़्यादा हल्दी बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा हल्दी अगर आप डाल देंगे तो बाद में जब वो सोडे के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारे ढोकले को एक रेड कलर का स्पॉट दे देगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच तेल, और तेल डालने के बाद हम इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं इसमें और पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी। अब इसमें और पानी डालना होगा हमें थोड़ा। ढोकले का जो वो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला नहीं बट पतला होता है, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी जो होती है हमें बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी ढककर, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1/2 आवर के लिए भी रख सकते हैं, बट अगर टाइम नहीं है तो इसे आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए। और यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है, अगर आपके पास एल्यूमिनियम या फिर स्टील का कोई बर्तन, थाली या फिर कोई कंटेनर अवेलेबल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ मैं चारों तरफ से। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए, और अब मैं इसे अच्छे से बीट करने वाली हूँ। और मैंने ढोकले को स्टीम करने के लिए जो पानी है वो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, और इसे हम 2 मिनट तक बीट करेंगे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में अच्छे से। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने इसे बीट कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी इनो। और यहाँ पर मैंने इनो में लेमन फ्लेवर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फटाफट से। आप देख रहे होंगे इनो डालने के बाद इसमें एक झाग सी बन गई है, हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल डबल हो गया है। और इसे हम जल्दी से अपने टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसे एक बार डैप कर दें जिससे इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो सेट हो जाएंगे। और अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने स्टैंड में पानी रखा है, और एक बर्तन का स्टैंड मैंने रख दिया बीच में। और आप इसी तरह से चाहे तो किसी पतीले में या फिर कढ़ाई में या फिर कुकर में पानी और स्टैंड रख के आप इसे बना सकते हैं।
और अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। और इसे हम बीच बीच में चाकू से चेक करते रहेंगे, अगर चाकू में बैटर लग के आया तो हमारा ढोकला समझिएगा अभी तैयार नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा ढोकला हो रहा है तब तक हम यहाँ पे तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल, यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल लिया है। और इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच राई, राई को अच्छे से फूटने दें, 2 हरी मिर्ची, करी पत्ते, इसे अच्छे से मिक्स कर दें, इसे एक बार चला दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी, 1.5 कप बेसन के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी यूज़ किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चीनी और 1/2 छोटा चम्मच नमक। अगर आपको ढोकले में खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद है आप तभी चीनी डालिएगा, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं, आप इसे मत डालिए। और इसमें अब हम एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया है और अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस गैस ऑफ करने के बाद ही डालें, अगर आप इसे पहले डाल देंगे तो इससे इसमें कड़वा टेस्ट आ सकता है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, इसे मिक्स कर दें। और अब हम इसमें साइड में रख देंगे और अब हम ढोकले को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ढोकला जो है हमारा रेडी हो गया है, मैंने इसे नाइफ़ डाल के चेक किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे इसमें कोई भी बैटर लग के नहीं आया, तो हमारा ढोकला रेडी है। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अगर हम ढोकले को अभी गर्म गर्म निकालेंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए हम इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया है और इसे कॉर्नर पर इसके साइड में एक बार इस तरह से चाकू चला दें। और अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारा ढोकला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ढोकला बनकर रेडी हुआ है। और इसे कट करने से ही पता चल जाता है कि ये कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है। और आप इसके पीसेस अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कर सकते हैं स्क्वायर शेप में। और अब मैं इसमें तड़का डालूँगी जो हमने अभी तैयार किया था। और ध्यान रहे कि हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गरम, और जो हमारा ढोकला है वो भी बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गरम, बिल्कुल गरम गरम तड़का इसके ऊपर डाल देंगे तो हमारा ढोकला जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल और भी ज़्यादा सॉफ्ट और टूटने लगेगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पंजी है, ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।